गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे थे। क्यूब के कुछ पार्ट जो थे उसके बारे में हम लोग जाने थे कि उसका क्या वैल्यू है। आज हम लोग फिर से कल पढ़े थे कि क्यूब कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसकी जांच हम कैसे करें। उसके जांच के लिए हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे और प्राइम फैक्टर का प्रत्येक प्राइम नंबर जब पावर 3 के रूप में आ गया, जैसे उसका प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है, अगर 2 का पावर 3 आ जाए या 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, तब वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होता है और उसका क्यूब रूट निकलता है। कल हम लोग 26,244 का परफेक्ट क्यूब निकालने की कोशिश किए तो उसमें सारा प्राइम नंबर क्यूब के रूप में नहीं आया। क्यूब के रूप में नहीं आया इसका मतलब कि 26,244 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आज हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे निकले, तो उसके लिए एक नंबर को हम लेंगे और नंबर लेकर के और उसका परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट निकालने के लिए अभी आप देख लीजिए, जैसे एक नंबर है 49,4930, इसका निकालना है क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट का ये सिंबल होता है, इस क्यूब रूट को निकालना है। अब इस क्यूब रूट को आप निकाल के देखिए कितना होता है, तो 49,013 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। अब ये 49,4930 कितने से डिविजिबल है, डिवाइड करना है ऑलवेज प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए तो कितना आता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये नंबर मैंने बताया कि प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से इसका सम 17 आ जा रहा है तो 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है, 5 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये डिविजिबल नहीं है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 के जस्ट आफ्टर 11 आता है प्राइम नंबर, 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर आता है, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 के बाद 17 आता है, ये नंबर 17 से डिविजिबल है, 289 का इसमें ये 17 से डिविजिबल है, फिर 289 17 से ही डिविजिबल है 17 टाइम्स। अब हम 4,913 का जब परफेक्ट क्यूब निकालते हैं तो ये आता है 17 × 17 × 17 और ये आया का गड्ढा में यहाँ 3। अब यहाँ हम 17 का पावर 3 लिखेंगे और ये गड्ढा में 3 आया। अब ये 3 और पावर 3 जैसे स्क्वायर रूट में पिछले क्लास में भी बताया कि यहाँ 2 हिडन होता है और यहाँ का हिडन 2 पावर जितने भी नंबर के 2 होते हैं उसको लेके अलग हो जाता है, ये 3 अलग हो गया तो 17 इसका परफेक्ट क्यूब नंबर आया, यानी कि 4,913 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका क्यूब रूट कितना आता है 17। जैसे स्क्वायर रूट निकालिए वैसे उसका क्यूब रूट 17 आ रहा है। इस प्रकार से कई नंबर हैं, सारे नंबर को आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने से है, जैसे एक और नंबर हम ले लेते हैं और उस आधार पर हम उसको चेक करते हैं, उस नंबर के आधार पर आप देखिए कि एक नंबर हम ले रहे हैं 17,576 इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है।
अब इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है तो वही 17576 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, देखते हैं इसका परफेक्ट क्यूब यानी क्यूब रूट कितना आता है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 8 16 2 7 14 2 8 16 2 8 16। अब ये फिर पुनः 2 से डिविजिबल है, 2 4 8 2 3 6 2 9 18 2 4 8। पुनः ये इवेन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 7 14। अब यहां आ गया 2197, ये किस नंबर से डिविजिबल है, किस प्राइम नंबर से? ये ऑड नंबर है 2197, 2 से डिविजिबल नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इसका सम कितना आ जाता है 19, 3 से डिविजिबल नहीं। ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल भी नहीं है। 11 के डिविजिबिलिटी का रूल भी आप जानते हैं, तो 11 के बाद 13 से इसको चेक किया जाए तो 13 से ये डिविजिबल है, 13 1 13 13 6 78 13 9 117। पुनः 169 कितना से डिविजिबल है, फिर 13 से ये डिविजिबल है 13 टाइम्स, यानी 17576 का जब आप क्यूब रूट निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टर क्यूब रूट के रूप में आता है 2 × 2 × 2 × 13 × 13 × 13। और ये आपका 2 का पावर 3 × 13 का पावर 3 के रूप में आता है। ओके, अब यहां पर ये 3 इस सारे प्राइम नंबर्स के पावर 3 को लेके रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचा रहेगा क्या 2 × 13 = 26, यानी कि 17576 का क्यूब रूट आपका कितना है 26 है, यानी कि 26 का पावर 3 कर दें, यानी कि 26 को 3 टाइम्स 26 × 26 × 26 मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा कितना 17576। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पता लगा, अगर ये सारे पावर 3, अगर इसी में कोई प्राइम नंबर जो पावर 3 के रूप में नहीं आता, पावर 2 के रूप में आता या पावर 1 के रूप में बच जाता, इट मींस कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इस हिसाब से हम जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है उसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा होल नंबर। तो ये आपको जानने की चीजें हैं जो आप इसको जान सकते हैं। बाकी तीसरा जो चीज बतलाया, अब आप इसमें जो भी नंबर है उसका क्यूब रूट निकालिए। जो थर्ड चीज है वो थर्ड चीज है कि व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई और व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, किस संख्या से, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो उसे कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए, या फिर कितना से डिवाइड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, ये जानने की चीज है। तो उस आधार पर अब हम इसको यहां पर देखेंगे। तो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बात आती है, तो पिछले क्लास में हमने बतलाया था आपको 26244, याद कीजिए ये 26244 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था। तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना से डिवाइड करेंगे ये आपको निकालना है। उसी नंबर 26244 का ही आप निकालेंगे व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट मस्ट बी डिवाइड, कितना से मल्टीप्लाई करने पर नंबर बिकम परफेक्ट क्यूब या कितना से डिवाइड करने पर नंबर बिकम्स परफेक्ट क्यूब नंबर, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए फिर हम देख लेते हैं
वही 26,244 में व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई और व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, इन चीजों को जान लेना आवश्यक है। आप इसको जान, इसको वाइप आउट कर दे रहा हूं। नंबर वही है कि 26,244 ये आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया है, और एग्जाम्पल में यहाँ कहता है कि डिवाइड करना, पहले हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं कि मल्टीप्लाई करना कैसे निकालें, फिर कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 26,244 को कितना से मल्टीप्लाई कर दे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्योंकि 26,244 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसके लिए वही चीजें हैं कि 26,244 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले क्लास में बतलाया 2 से डिवाइड करेंगे 13,122 है, 2 से डिवाइड करेंगे 6,561 आ जाएगा, फिर ये 2 से अब डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है 2,187 आ जाएगा, फिर ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सब इसका 18 आ रहा है, फिर ये 3 से डिविजिबल है सम 18 आ रहा है, फिर ये 3 से डिविजिबल है इसका सम 9 आ रहा है, फिर ये 3 से डिविजिबल है इसका सम 9 आ रहा है, फिर ये 3 से डिविजिबल है इसका सम 9 आ रहा है, क्वोशिएंट भी 9, फिर ये 3 से 3 टाइम्स में डिविजिबल। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 26,244 का क्या आ रहा है, तो आ रहा है 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यही है 1 × 8 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 8 × 3 है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 है। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई 26,244 सो दैट द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब यहाँ 2 कितनी बार है, तो 2 टाइम्स है, यहाँ 3 3 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी ये 3 टाइम्स आ रहा है, और फिर यहाँ ये 2 टाइम्स बच रहा है। देखिए अब यहाँ ये 3 और ये 3 पावर 3 के रूप में है, लेकिन 2 पावर 2 के रूप में है, और ये 3 पावर 2 के रूप में है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पावर 3 करना होगा, पावर 3 तो करना ही होगा ना, तब ना ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, और यहाँ 3 का भी पावर 3 करना पड़ेगा तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी कि यहाँ हमको क्या करना होगा, 2 टाइम्स है, 2 बार है, और इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 अगर यहाँ पर कर दिया जाए, अगर यहाँ पर 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2 कितना आ जाएगा, पावर 3 के रूप में आ जाएगा, तो वो परफेक्ट क्यूब होगी। यहाँ 3 2 ही बार है, 2 टाइम्स है, तो इसको 1 बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 3 भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 × 1 × 2 × 3 टाइम्स, तो पावर 3 हो गया, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, और ये 2 टाइम्स है, इसको 1 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 3। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना से मल्टीप्लाई किया, 1 बार 2 और 1 बार 3 यानी कि 2 × 3 = 6,
ये 26,244 को यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा और उसका क्यूब रूट निकल सकता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूब रूट उसका क्या होगा, तो क्यूब रूट उसका हो जाएगा कितना, वो क्यूब रूट भी निकालना आ सकता है। तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये 2 पावर 3 टाइम्स में आ जाएगा। ये 3 तो पावर 3 के रूप में है ही, ये 3 पावर 3 के रूप में है ही। अब ये जो 3 है, ये 3 भी क्या हो जाएगा, पावर 3 के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ ये 3 जो है ये पावर 3 को लेके रिमूव करेगा, हटेगा, तो 2 × 3 × 3 × 3 = 54। यानी कि 26,244 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करें। उसके लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सबको 3-3 के ग्रुप में लाना, जो 3 के ग्रुप में नहीं है उसको 3 के ग्रुप में करने के लिए क्या किए, जितनी बार अगर अकेला एक ही 2 यहां होता तो 2 × 2 = 2 बार 2 × 2 से मल्टीप्लाई करता, यहां 2 × 2 है तो 1 × 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां 3 × 2 है, ये तो 3 times है, ये 3 times है, ये 2 times है, तो इसको 3 times करने के लिए 1 × 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 एक ही बार होता, 1 time ही 3 बच जाता, तो यहाँ 3 × 3 2 × 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 कितना बन जाता, 3 times बन जाता। अब जितना से मल्टीप्लाई किए वही नंबर यहाँ गया, 2 × 3 = 6। यानी 26,244 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ये 1,57,464 हो जाएगा जब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है, और ये नंबर बन जाएगा क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर BC। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और इस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट जब निकालेंगे यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 times है, 1 × 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 3 times ये एक बार बढ़ जाएगा, ये 3 times है, ये 3 times है, और फिर ये 2 times है, यहाँ पर ये 3 times हो जाएगा, तो 2 × 3 × 3 × 3 = 54। ये 54 इसका परफेक्ट क्यूब आएगा, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 54। इस आधार पर हम इसको मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड की बात है। अब यहाँ आती है बात कि व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, कितना से डिवाइड किया है इसी नंबर को, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ कहता है कि डिवाइड द नंबर 26,244 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई किए 6 से तो इसका प्रोडक्ट हो गया परफेक्ट क्यूब। अब इस 26,244 को डिवाइड कितना से करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये आपको तो डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे। अब डिवाइड करने के लिए कितना से डिवाइड किया जाए तो देखिए, हम बस प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा ही, जैसे निकाले हैं वैसे दोनों कंडीशन में, और यहां पर आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जेन्युइन प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिखना है, 2 × 2 फिर 3 8 times है। अब देखिए यहाँ 2 तो 3 times नहीं है, जो 3 times है उसको अंडरलाइन कीजिए, ये 3 times है, ये 3 times है,
टू टू टाइम्स बच रहा है और थ्री भी टू टाइम्स बच रहा है, तो डिवाइड करने के लिए यहां पर जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू जो थ्री टाइम्स नहीं है उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये थ्री टाइम्स नहीं है टू इंटू टू और ये थ्री इंटू थ्री भी थ्री टाइम्स नहीं है तो थ्री इंटू थ्री, यानी कि इससे जो थ्री टाइम्स नहीं है उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके और उससे डिवाइड करेंगे तो इसका कोशिएंट परफेक्ट क्यूब आएगा, यानी 36 इसका आ रहा है, यानी कि 26,400 को यानी 36 से डिवाइड कर दिया जाए, ये मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर 6 था जिससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बनता है और स्मॉलेस्ट नंबर 36 है जिससे इसको डिवाइड करने पर इसका कोशियंट परफेक्ट क्यूब आ जाता है। अब इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 36 को 26,244 से डिवाइड कीजिए, सेवन टाइम्स में लगेगा 252 जीरो वन फोर आएगा, 72 टू टाइम्स में लगेगा 4 माइनस 2 टू 10 माइनस 3 7 3 लैप्स कर गया 4 आएगा, 729 यानी कि 26,244 को जब हम स्मॉलेस्ट नंबर 36 से डिवाइड करेंगे तो इसका ये कोशिएंट जो है ये परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब बनेगा तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट क्यूब नंबर इसका क्या हो जाएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो परफेक्ट क्यूब नंबर के रूप में आपको आ गया क्या, थ्री थ्री टाइम्स आ गया और ये थ्री थ्री टाइम्स आ गया, यानी कि ये थ्री दोनों थ्री को लेके रिमूव करेगा, थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन, यानी कि जब 26,244 को 36 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशियंट होगा उस कोशियंट का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, नाइन, और डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट कितना आएगा 729 और ये 729 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और इस 729 का क्यूब रूट कितना आएगा 9 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट में बेसिक कंसेप्ट यही है, बाकी कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम आपको फिर से आपको बताएंगे, कंसेप्ट आपका क्यूब एंड क्यूब रूट में इतना ही पढ़ना है जिसमें आप क्यूब निकालना रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से समझ रहे हैं, फिर कॉलम मेथड से क्यूब निकालना टू डिजिट नंबर का वो भी आपको बतलाया गया, पीछे भी आप पढ़े थे मैंने भी आपको बतलाया, अब जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन में बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, इसमें से जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं ये फिर बारी बारी से है ना, आपको 4.1 4.2 4.3 में जो कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आपसे शायद ना बन पाए वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके तो आप क्यूब एंड क्यूब रूट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में आपका काम होगा कि जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कम से कम 4.4 तक, टिल 4.4 तक आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें जो डाउट है उसको पिक करके रखिए और वो फिर अभी हम आपको बताएंगे शायद आपके डाउट से वो मैच कर जाए तो आप उसको समझेंगे और फिर जो दिक्कत होगी फिर जब रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो फिर उस क्लास में आपको बदला दिया जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।